सिवान में आ गया भयंकर बाढ़, चारों तरफ पानी ही पानी, घर छोड़कर भाग रहे लोग। बिहार के सिवान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां सिवान में गंडक नहर का बांध टूट गया है और कई घरों में पानी घुस गया है। इलाकों में बाढ़ जैसा दृश्य उत्पन्न हो गया है, लोगों के कई सारे घर डूब गए हैं, लाखों का फसल बर्बाद हो गया है। गंडक नहर का बांध से टूटते ही आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया, सारे लोग अपना घर छोड़कर भागने लगे। बांध टूटने से बहता पानी का तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है। बता दें कि सिवान में नहर का बांध टूटने की वजह से लकड़ी नबीगंज ओपी थाना क्षेत्र का खवासपुर गांव कुछ ही घंटों के अंदर ही जलमग्न हो गया। 13 जून को गंडक विभाग ने नहर में पानी छोड़ा था, पानी का बहाव काफी तेज था जिस कारण बांध टूट गया। करीब 800 एकड़ में पानी फैल गया है। सूचना के बाद नहर विभाग की टीम बांध को दुरुस्त करने में जुटी गई है। गंडक नदी से पानी का बहाव भी रोक दिया गया है। हालांकि किस तरह के जानमाल की क्षति की सूचना नहीं है, वहीं नहर टूटने का दोष विभाग ने चूहों और लोमड़ियों पर बढ़ा है। उनका कहना है कि इन्होंने मिट्टी खोद डाली। ये बिहार है, यहाँ तो दोष अधिकारियों की होती है और गाज जो है वो बेजुबान जानवरों पर गिरा दिया जाता है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि चूहों के दांत से बांध नहीं टूटा है बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों का ये कारनामा है। इस बांध को जानबूझकर कटवाया गया है। बिना बरसात इस बाढ़ को देखकर लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गंडक विभाग ने नहर का बिना निरीक्षण किए ही पानी छोड़ दिया। पानी छोड़ने के पहले नहर की मजबूती की जांच नहीं की गई। गंडक विभाग के पदाधिकारी ब्रजेश कुमार ने कहा कि ये प्रथम दृश्य चूहा, साहिल पक्षी या लोमड़ी के मिट्टी खोदने से बांध टूट गया है, इसकी जांच की जाएगी। अगर किसी असामाजिक तत्वों ने बांध को काटा है तो कार्रवाई भी की जाएगी। नहर में जब पानी छोड़ा गया था तब किसानों के चेहरे खिल गए थे और खेत में धान का बीज गिराने की तैयारी में जुट गए थे, लेकिन नहर का बांध टूटने से गांव में पानी भर गया। 16 जून से क्षेत्र में मानसून आने की संभावना है, ऐसे में अगर भारी बारिश हुई तो पानी का निकासी की संभावना नहीं है। गांव में एक तरफ नहर का बांध है और दूसरी तरफ घनी बस्ती, पानी निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। इस कारण किसानों को चिंता है कि अब वे खरीफ फसल की खेती कैसे करेंगे। सैकड़ों किसान गंडक विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार मुआवजा दे। हालांकि बांध टूटने से आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गया है, लोग अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं।